हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नी वहार जमान एंड गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो गाइस जैसा कि आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि काफी टाइम से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो पा रहा था, तो गाइस उसके लिए बहुत बहुत माजरत। एंड गाइस टुडे इज वेरी स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज टुडे इज माई मदर्स बर्थडे। ओके गाइस, सो आज इतना स्पेशल दिन है तो आज कुछ स्पेशल भी होना चाहिए। सो आज का जो हमारा प्लान है वो मैं अपनी मम्मा को ट्रीट दे रहा हूँ एट रेस्टोरेंट। सबसे पहले हम अपनी मम्मा से मिल लें कि रेडी हुई या नहीं। जी माजन, रेडी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बस जल्दी से आ रहे हैं, जल्दी से रेडी हो रहे हैं और जल्दी से मैं भी रेडी होकर आ रहा हूँ क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रही है। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ लेकिन फिर भी जल्दी भी इतना जल्दी नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है। बस अब चलते हैं और वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन एंड आवर डेस्टिनेशन इज, सब आ चुके हैं तो अब हम चलते हैं अंदर। भाई साहब ने हमें रोक लिया था कि मास्क लगा के जाओ लेकिन हमने बोला हम नहीं लगा सकते मास्क। तो सब बैठ चुके हैं, देसी स्टाइल से बैठ के खाने का मजा ही अलग है। नहीं क्या खाओगी, जोर से बोलो। सिंगर बब्बे आप पिज्ज़ा। मामा आप क्या खाएंगी? तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपको सिलेक्शन हो गई है। क्या क्या आ रहा है मम्मा ज़रा बताइएगा? पिज्ज़ा और सिंगर चिकन कढ़ाई। लो भाई ये देखें, ये जगह चेंज कर ली है इन लोगों ने, तो चलो हम भी वहीं चलते हैं। कंफर्टेबल है, इधर ही बैठ जाएं। सो गाइस जैसा कि मुझे लग रहा है कि रुमान शायद बहुत भूखी हैं। आप बहुत भूखी हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मतलब आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा रामीन, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप दांत निकाल के फजूल में हंसे जा रही हैं, क्या हुआ है? और अच्छा, और ये माशाल्लाह हमारी मम्मा जो है ये सेल्फीज लेने में मगन। बस यार आप जल्दी से खाना आ जाए जो मंगवाया है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाना आएगा और मुझे हमला करना है उससे। तो गाइस जैसे कि अभी आप सब लोगों ने देखा है कि मैं मैनेजर के साथ मीटिंग कर रहा था, तो वो मेरी मीटिंग ये थी कि एक सरप्राइज़ है छोटा सा मामा के लिए कि यहाँ का पूरा स्टाफ मिलके मामा को विश करेगा। सो गाइस वेट फॉर इट। ये आ गया, कैसा है? बहुत मज़ेगा। कितनी भी भूख लग रही हो सबसे पहले बताऊँ क्या होता है, जैसे ही बर्गर या फ्राइज वगैरह आ जाते हैं सबसे पहले बंदा फ्राइज उठा के खाता है। तो गाइस ये आ गया मेरा पिज़्ज़ा, अब उठ के नज़र लग गई देखा, सॉरी यार। अच्छा चलो बहरहाल अब खाते हैं। ये क्या हरकत है रुमान, अपना खाने के चक्कर में मेरा सारा पिज़्ज़ा गिरा दिया। दूंगा नहीं लेकिन मैं बस पूछ रहा हूँ, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। तो उसमें गाइस इतना टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यार सारा पिज्जा खत्म हो गया, एक और पीस दे दो रामीन, दो जल्दी से, इतना गुस्सा यार अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब मैंने बोला पिज्जे का एक पीस दो, कह रही है लेखा ठूस, वैसे बात करता है बड़े भाई से। हाँ कितनी चोट लग रही है यार, मैं तो इतनी भूख लग रही थी लेकिन सिर्फ दो पीस पिज्जे के खाए और पेट ऐसा फुल हो गया ना कि खाया नहीं जा रहा। ये ना हो तो फिर सुकून कैसे मिलता है खाने के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे मैंने आज एक बात नोट करी, यहाँ पे बहुत हरियाली है। नहीं देखो मोटे को खा पी के लेटा है वहाँ पे आके, सांड सांडे के थे पापा खाने में मसरूफ पापा। भाई बेगम की सालगिरह का खाना तो मन से खाओ पेटू। अब थोड़ा सा डांस भी हो जाए।
गाइस हुआ कुछ ऐसा है कि अब मैं आता हूँ केक लेके, क्योंकि केक अगर यहाँ ले आते तो मेल्ट हो जाता है, इस वजह से मैं अब जा रहा हूँ केक लेने। फिर यहाँ पे सब हम मिलके केक कटिंग करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। केक लेके आ जाऊँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो हमेशा की तरह रामीन मेरे साथ पीछे लग गई कि केक लेने मैं भी चलती हूँ, तो आ जाओ चलें। कौन सी याद है भाई? हैं तो गाइस आ गए केक की शॉप पे, साउथ बेकर्स। तो कौन सा केक लें, कौन सा लें? आज तक कभी मैंने अकेले आके लिया नहीं है। फाइनली हमने केक ले लिया। दिखाओ क्या क्या है। अनार ले लिया हमने, ये भी ले लिया, पार्टी पेपर भी ले लिया, केक भी ले लिया। सही है, बस चलो। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि मैंने केक ला के इनको दे दिया है, बाकी इनके हैंडओवर हो गया है और बाकी सारा काम ये खुद करेंगे। तो जब केक कटेगा फिर इंशाल्लाह तआला आपसे मिलते हैं। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है, ये क्या हो रहा है? ये सरप्राइज जो है ये अभी बाकी है, इसके बारे में मामा को नहीं पता, तो अभी मामा को यहाँ पे लेके आएंगे। वहाँ चले घर, चले हम लोग घर चल। मामा थोड़ा सा, मैं भी भाई माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। ये भी लगाओ उनकी भी अभी जुबान दिखा। माशाल्लाह मामा की बर्थडे जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गई। बस अल्लाह खुश रखे हमारे माँ बाप को, हमेशा हमारे तरफ से माँ बाप का साया सलामत रखे। तो बस चले आज के ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर मिलते हैं ब्लॉग नंबर 8 में बहुत जल्द इंशाल्लाह। ओके गाइस, अल्लाह और मेरे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह।